गाइज, हो सकता है कि एयरटेल का जो नेटवर्क है आपके भी मोबाइल में अच्छे से नहीं चल रहा होगा। मेरे भी मोबाइल में नहीं चल रहा है, मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, आप देख पा रहे हो, और ऊपर जो है ये दिखा रहा है, जबकि मेरा जो है यहाँ पे 4G है, फिर भी ये दिखा रहा है ऊपर। और मैं लगातार 2 दिन से परेशान थी, फिर मैंने इस पर जो है सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढ लिया है फाइनली, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिम कार्ड के ऑप्शन आ जाता है। तो मेरा जो है यहाँ पे सेकंड में है, तो मैं उस पर क्लिक कर लेती हूँ। आपका जिस पोर्ट में होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम एयरटेल का जो मेरा सेकंड में है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एपीएन यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम्स जो ऑप्शन है, एक्सेस पॉइंट नेम्स, उस पर क्लिक करना है। एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो नीचे जो आपका प्लस का साइन दिख रहा है, ऐड एपीएन, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको यहाँ पे नेम जो है उस पर क्लिक कर लेना है। नेम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेम डालना है, एयरटेल एयरटेल CXM ऐसा आपको वहाँ पे डालना है। तो हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो ओके का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एपीएन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है एयरटेल नेट डॉट कॉम, एयरटेल नेट डॉट कॉम ऐसे आपको वहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको वहाँ पे करना है। उसके बाद प्रॉक्सी और पोर्ट जो है उसको खुला वैसे ही छोड़ देना है, और यूज़र नेम पे जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है फास्ट नेट। ओके, आपको यहाँ पे यूज़र नेम पे टाइप करना है फास्ट नेट, और इतना करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पासवर्ड आपको वैसे रखना है। सर्वर जो है दोस्तों, सर्वर के ऑप्शन पे आपको वहाँ पे जो है गूगल टाइप कर लेना है, और ओके का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, ऑथेंटिकेशन पे आ जाना है डायरेक्टली, और यहाँ पे जो है CHAP उस पर क्लिक कर लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। एपीएन टाइप जो है दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है डिफॉल्ट कॉमा SUPL। दोस्तों जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको यहाँ पे करना है, और फिर जो है कॉमा सॉरी ओके जो है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको APN प्रोटोकॉल में लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, IPv4/6 दोनों में भी, APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे मोर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और सेव का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रिटर्न आके जो है आपने अभी जो किया उस पर आपको क्लिक करना है एयरटेल CXM पे, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे 2 मिनट आपका जो ऊपर ये दिखा रहा था वो भी चला जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और फिर जो है वहाँ पे नेटवर्क दिखेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद भी मेरे इसमें जो है ये तुरंत चली गई थी, मतलब 2 मिनट में ये फिर से चला गया था। तो फिर मैंने एक सेटिंग की, जो सेटिंग जो है यहाँ पे पहले ही करनी चाहिए थी, तो वो सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है आपको एक्चुअल में, ठीक है। ये ऐसा भी ना हो तो आपको फ्लाइट मोड जो है उसको एक बार ऑन ऑफ करना है, मोबाइल अपना स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर लेना है, ठीक है। ऐसे दो चार सेटिंग आपको यहाँ पे कर लेनी है। दूसरी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी सेटिंग करना जरूरी है, तब जाके जो है आपका ऊपर का जो ये है वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बैक ले लेते हैं और फिर से सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर जो है यहाँ पे सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में ही जाना है हमें, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें एयरटेल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। गाइज ये मैं आपको सेकेंड मेथड बता रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रेफर 3G पे मेरा क्लिक था यहाँ पे, तो ये जो है हमें प्रेफर LTE के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये करने के बाद जो है आपका इंटरनेट जो जो भी प्रॉब्लम चल रहा होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया था मेरे मोबाइल में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और फाइनली ये जो है मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।